By तो हाई कोर्ट की जो यहाँ बेंच लाने की बात चल रही है चार दशकों से चल रही है स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते लोग उम्मीद पाले बैठे हैं। एम्स, एम्स, का। एम्स का भी कानून है ताजमहल को जो तेजो महाले का विवाद खड़ा किया जाता है आप इसको कैसे रहते हैं देश में विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता करने का अधिकार है प्रधानमंत्री 2014 में बोल गए थे अरे आगरा में एयरपोर्ट ने ऐसे उन्होंने बोला एग्जैक्टली तमाम तो जो उद्योगपतियों से मिला तो इस बात की शिकायत करते हैं कि उद्योग हमारा ठप सा हो गया है और ताजमहल को उसके पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुलायम सिंह यादव जी कान के बहुत कच्चे थे राज बब्बर तो क्या सलमान खान भी नहीं हरा सकते अगर मैं वहां पर समाजवादी पार्टी में होता जब से चुनावी राजनीति शुरू हुई है देश में सर्वाधिक मतदान किस नेता के पक्ष में हुआ है तो वो नेहरू नहीं निकलेंगे लोहिया नहीं निकलेंगे अटल जी नहीं निकलेंगे मोदी जी निकलेंगे अक्षय यादव निकलेंगे ऐसा क्यों बुद्ध कैप्चर जिस अखिलेश यादव ने कहा था मैं एक भी बार प्रचार के लिए नहीं आऊँगा तो मैंने कहा था कि अगर हफ्ते भर में नहीं बुला लिया तो मेरा नाम एसपी सिंह बघेल नहीं पुलिस इंस्पेक्टर विधायक राज्य मंत्री लोकसभा सांसद राज्यसभा सांसद केंद्र मंत्री हम एक आदमी की बात कर रहे हैं और वो आदमी है एसपी सिंह बघेल जो कि इस वक्त आगरा लोकसभा से सांसद भी हैं और हर तरह के पद पे हर तरह की भूमिका निभा चुके हैं तमाम भूमिकाओं में आप रहे मतलब पहले तो जब मुझे बहुत जानकारी आपके बारे में नहीं थी तो मैं वो पुलिस इंस्पेक्टर वाले वो देखा तो मैंने एक सीरियल में भी आप नज़र आए तो मुझे लगा कि लगता है लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीरियल में रहे होंगे किसी इसलिए बोलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर फिर जब रिसर्च की तो पता चला नहीं आप वाकई पुलिस में रहे मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी सिक्योरिटी में रहे और वहीं से आपको राजनीति का चस्का लगा ऐसा भी लोग कहते हैं थोड़ा शुरुआत के बारे में जानना चाहता हूँ कि राजनीति में एंट्री इसका मन में आना कि राजनीति करनी है ये कहाँ से शुरुआत हुई छात्र राजनीति में चुनाव लड़ा लड़ाऊँ तीन और पर... पुलिस में से पहले छात्र राजनीति का मतलब छात्र राजनीति में वहाँ से सक्रिय हुआ लेकिन बीच में ऐसा लगा जब कुछ छात्र राजनीति के अध्यक्षों से बात हुई तो बड़ा जीवन आर्थिक रूप से विपन्नता वाला जी रहे थे वो लोग तो वह ठेकेदारी कर रहे थे जिनका जल जले होते थे तो मुझे लगा कि जो है नीली बत्ती है यह स्थाई है पैंतीस चालीस साल रहती है और लाल बत्ती है वो बहुत अस्थाई है एकदम हो गया चेंज की नहीं नौकरी करनी है तो मैं इक्कीस साल का हुआ तो पहली बार में ही फॉर्म भरने में आ, मेरा चैन हो गया और दूसरी बात हम अपने बैच के टॉपर्स में से हैं तो ऐसे आ गया फिर बाद में लगा कि नहीं मैं तो मुझे तो सिविल भी कर सकता था मैं मैंने इक्कीस साल में एकदम ये फॉर्म भर के पहली नौकरी क्यों ले ली तो मैं एम करके गया था उसमें विश्वविद्यालय में, में मेरी सेकेंड पोजीशन थी अच्छा फिर ए, मैंने लॉ की और ए, पुलिस में रह के तो उच्च शिक्षा सेवा आयोग से एक वैकेंसी निकली डिग्री कॉलेज में लेक्चरस के लिए तो मेरे सब्जेक्ट में मैंने एम एस सीमिलिटी साइंस में की है तो उसमें सात या आठ वैकेंसी थी तो मैंने फॉर्म भर दिया कमीशन ने मेरा चयन कर लिया उच्च शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद जो बड़ा कठिन होता है फिर आगरा कॉलेज आगरा में जब प्लेसमेंट हुआ तो ये कॉलेज ने मुझे बहुत प्रभावित किया ये उत्तर भारत का सबसे अच्छा कॉलेज जिसमें अठारह हज़ार बच्चे हों अठारह का वो कॉलेज है फिर मुझे लगा कि पुलिस से इस्तीफा दे राजनीति करेंगे तो खाएंगे क्या तो ये हमारे एडिट कॉलेज होते हैं जिसमें रिजाइन नहीं करना पड़ता है अच्छा जैसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को आप देखते होंगे एडिट कॉलेज हैं हमारे बेटर देन गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन एडिट कॉलेज हैं तो वहाँ से शुरुआत हुई और मुलायम सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया जी तो, तो क्या उस... आपकी पहले जब सिक्योरिटी में आप उनकी थे तो क्या तब कुछ बातचीत हुई राजनीति को लेकर कि मैं ऐसा ऐसा कर लेता हूँ एक बैकअप प्लान तैयार कर लेता हूँ और राजनीति करूंगा क्या इसको लेकर कुछ बातचीत हुई थी आपकी जिस समय मैंने ये फॉर्म भरा था उच्च शिक्षा सेवा आयोग में लेक्चर का उस समय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर नहीं थे और मुझे याद आ रहा है एनडी तिवारी साहब मुख्यमंत्री थे तो एक दिन फॉर्म भर के भूल ही गए क्योंकि जॉब में थे तो ज़्यादा चिंता नहीं थी एक दिन कॉल लेटर आया इंटरव्यू दिया इलाहाबाद में जाकर सिलेक्शन हो गया इसमें कोई दो नहीं है कि उनके आश्वासन पर फिर थोड़ा ये लगा कि हम तो उनके फैमिली मेम्बर हैं तो ये सिक्योरिटी में तो कितने आए होंगे कितने गए होंगे मैं इटावा का रहने वाला हूँ और पारिवारिक रिश्ते पचासों साल से हैं तो उस वजह से उनका संरक्षण मिला उसमें कोई दो राय नहीं उन्होंने मुलायम सिंह यादव युद्ध जुगेट एक संगठन था जो कुछ था नहीं उसको मैंने बहुत ही बूथ तक ले गया था और उसके बाद फिर यहाँ से राजनीति शुरू हुई फिर आया उन्नीस सौ छियानवे का लोकसभा चुनाव और पहली बार आपको बागी होते हुए लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी से टिकट क्यों नहीं मिला आप बता रहे परिवार के सदस्य थे घरेलू संबंध थे उनके कहने आश्वासन पे ही राजनीति में आए पर आपको लगा कि छियानवे का मतलब पहला आते ही लोकसभा चुनाव लड़ जाना है और आप उतर गए बसपा से उतर गए क्योंकि इस तीन साल में मैंने गाँव गाँव घूम लिया था और उसमें क्या हुआ कि पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुलायम सिंह यादव जी बहुत बहुत ही अच्छे नेता थे एक अवगुण था कि कान के बहुत कच्चे थे अच्छा तो यह कोई कानाफूसी कर दे मैं फील्ड में घूमता रहा और लोग लविंग करते रहे तो हमारे ही जात के एक आदमी को टिकट दी जिसको कत्ल के केस में आजीवन कारावास था आज उस समय ये नियम नहीं था दो साल वाला कत्ल के केस में आजीवन कारावास था हाई कोर्ट में आ, रेट थी बेल पर थे तब ये लगा कि नहीं मैं बहुत नज़दीक हूँ तो ये दूरी ये ख़त्म हो गया कि होते तो फिर मैं अपनी जात का नेता हूँ तो टिकट नहीं है उसका मतलब मैं नहीं हूँ उसका रिजल्ट यह आया कि उन सज्जन को अस्सी हज़ार वोट मिले और मुझे एक लाख पचपन हज़ार बी से मिले तात्कालीन बीएसपी को बहन जी की जात के अलावा कोई नहीं देता था तो ये दो जातियों के वोट थे बघेलपुरा मेरे साथ और बहन जी ने दिया इसमें कोई दो राय नहीं उस समय की बसपा को कोई चारपाई भी नहीं देता था बैठने के लिए एक लाख पचपन हज़ार वोट पाके मैं अड़तीस हजार से केवल चुनाव हारा अगला टिकट इसी वोट के आधार पर जिस सज्जन को दी गई थी उनकी जमानत जब्त हुई वो तीसरे पर आए तो फिर सोलह महीने बाद टिकट आसान नहीं रहता ना आप बसपा से लड़े आपने करीबी फाइट दी फिर आप सभा में वापस आ गए ये कैसे चमत्कार हुआ फिर आप जीते तीन हज़ार वोटों से हाँ मैं सत्ताईस सौ वोटों से जीता अच्छी स्टडी करके आप आए हैं लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का दौर था सत्तर उत्तर के सड़सठ अड़सठ एम आते थे आगरा कमिश्नरी में अलीगढ़ नहीं थी आगरा एटा फरोजाबाद हाथरस मथुरा अलीगढ़ मैनपुरी आठ लोकसभाएं मैं और बल्लाम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जीते शेष छः सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती मेरे बॉर्डर पांच लोकसभाओं से हैं पांचों के पांच भाजपा उदाहरण के तौर से आगरा से रावत जी प्रभुदल कठेरिया फरोजाबाद से तेजवीर सिंह भाजपा मथुरा अलीगढ़ सिला गौतम भाजपा महादीपक साकेटा भाजपा और कृष्णलाल दिलेर हाथरस भाजपा एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी जलेसर और मैनपुरी में उस समय बलराम सिंह यादव पार्टी से लड़े थे बाद में मुलायम सिंह लड़ने लगे तो हवा के खिलाफ हम लोग जीत के आए उसके पीछे वही था फील्ड वर्क हाँ हा, तो सत्ताईस सौ से जीतना सत, आज के हिसाब से दस लाख से जीतना है क्योंकि अटल जी अडवाणी जी और कल्याण सिंह जी, जी का दौर हुआ चरम पे थी और राम मंदिर आंदोलन बीजेपी बीजेपी चरम पर थी और उदाहरण बता रहे हैं कि हमारी सभी सीटें भाजपा जीती थी मैं अकेला यहाँ पर समाजवादी फिर दोबारा जीता फिर तिबारा जीता फिर परसिमन आयोग ने जलेसर खत्म कर दी बस यही इस पे और है? सवाल बनता है कि परसिमन आयोग ने जलेसर खत्म कर दी अब इस पे कई लोग कहते हैं कि खत्म इसलिए कर दी क्योंकि एक नेता उभर रहा था मुझे लगता और मुलायम सिंह यादव आपको टिकट देना नहीं चाहते थे क्या ऐसा वाकई होता ऐसा हो सकता है देखिए हर पार्टी का आयोग में एक मेंबर होता है हाँ। जैसे रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी से सतीश मिश्रा बीएसपी से थे कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से परसीमन आयोग के मेंबर थे मैनपुरी को अच्छा बनाने के लिए एटा को अच्छा बनाने के लिए केवल एक ही तरीका था कि जलेसर लोकसभा की पांचों सीटों को पांच लोकसभाओं में भेज के और इसे खत्म किया जाए तो आई एम द लास्ट जैसे बहादुर शाह जफर जफरबाज द लास्ट टेम्पर ऑफ द मुगल डायनेस्टी तो मैं जलेसर का आज कोई गूगल करता है तो जलेसर आता नहीं है विधानसभा आती है तो मैं हेट्रिक मानना बहुत बड़ी बात है तीन चुनाव जीते तीनों थी थी पार्टी थी। से थी। और एक ही लोकसभा से लगातार मुझे याद है कि मैं तीन कार्यकाल में तीन कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की दिल्ली में तेईस रात रुका था केवल आज के हिसाब से एक महीने में तेईस दिन रुकें और सात दिन का भी दौरा कर लें तो एंटी इनकेम्बेंसी नहीं होगी तो ये छोटी मोटी बात है कि तीन कार्यकाल में तेईस नाइट स्टे इन दिल्ली उसका भी हिसाब है लोकसभा लंबी चल गई कई बार बारह बजे एक बजे तक मैं रोज आता हूँ एवरी डे जिसको मुख्यमंत्री जी अभी कह के गए क्या हम अपने शब्द अपने सीएम के मुंह में डाल सकते हैं कि ऐसा बोल दो तो उन्होंने कहा हम दोनों चार बार एम साथ में रहे दोनों ने एक साथ जीतना शुरू किया तीन बजे के बाद इनको लोकसभा में कभी कोई देख ही नहीं पाया है, जो पहली ट्रेन होती है उससे ये लोग आ जाते हैं तो जब परसीमन आयोग ने इसको खत्म किया तो मैंने फिरोजाबाद मांगी तो फुर... समाजवादी पार्टी से आपने फिरोजाबादी तो क्यों नहीं मिली क्योंकि आप तीन बार के सांसद इसकी लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ उस वजह से डिम्पल यादव को हारना पड़ा राज बब्बर तो क्या सलमान खान भी नहीं हरा सकते अगर मैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी में होता अच्छा। स्वाभाविक बात है अपना वोट ट्रांसफ़र करता हूँ तो अब तो दुनिया मानने लगी ना तो अखिलेश यादव ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अब कहते हो ना साजिश क्या होती है साजिश ये होती है कि अखिलेश यादव जो ऑलरेडी कन्नौज से दो बार के एम थे बड़े मार्जिन से जीतते थे वो दो जगह लड़ने आए फिरोजाबाद और कन्नौज किस लिए इसलिए नहीं ये प्रधानमंत्री जाकर मुलायम सिंह यादव शिकायत नहीं की कि आपके राज में मैं नेता बना तीन आज बार सांसद बना में दर्ज हो इसलिए बात करना चाहूँगा मैं तीन बार का एम चौथी बार में भीड़ नहीं चलाऊंगा ठीक है ना मैं पुलिस जब छोड़ आया हूँ तो राजनीति के लिए आया हूँ कोशिश करूंगा कभी दल ना बदलना पड़े लेकिन अगर आप अन्याय होगा तो तो ठीक बात नहीं है तो तो विद्रोही बनना पड़ता है तो कहने का मतलब यह है कि अखिलेश दो जगह क्यों लड़े क्या वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे क्या वो कन्नौज से हार रहे थे अब एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जिसको खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोग समझें वो लोग सोचते हैं ये छोड़ गए वो छोड़ गए नहीं ये लोग दो जगह लड़ते हैं फिर ये इस्तीफा देते हैं फिर इनके घर में जो 25 साल का होता है वो वहाँ आ के लड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल तथ्यों पर आधारित साल के आधार मुलायम सिंह यादव दो जगह लड़े कौन कौन सी सीट कन्नौज संभल इस्तीफा दिए अखिलेश यादव आए क्योंकि साढ़े पच्चीस साल के हो गए थे फिर मुलायम सिंह यादव दो जगह लड़े जिसको मैनपुरी प्लस संभल मेरे को याद बहुत रहता है इस्तीफा दिया धर्मेंद्र यादव आए ओके फिर मुलायम सिंह यादव दो जगह लड़े इस्तीफा दिया तो तीसरी पीढ़ी का तेज प्रताप आए फिर अखिलेश यादव दो जगह लड़े इस्तीफा दिया तो डिम्पल यादव आई अब मेरा कहने का मतलब है एक ऐसा आदमी जिसका समाज देश में उसके साथ हो उसकी काट करके अपने घर में पांचवा सांसद बनाने के लिए आप पूरी जात के का नुकसान कर दिया तो मुझे लड़ना पड़ा मायावती ने आपको दो बार टिकट दिया 2009 में आपको टिकट दिया फिर उपचुनाव में भी टिकट दिया मायावती से क्या बातचीत हुई कैसे एंट्री हुई पीएचडी करो इस पर इस पर पीएचडी करो कि मायावले अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे जलेसर जैसी सीट पर जहां पिछले दो चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई थी इक्यानवे में और छियानवे में ठीक है और अट्ठानबे में जीत रहा हूं तो वो पूरा जताते हैं तो छियानबे भी जिता लेना चाहिए था तो इक्यानवे छियानवे जमानत जब्त और अट्ठानबे में अस्सी हजार से तीन गुना वोट पड़ गया ओके तो कुछ तो है या नहीं है अब मैं मैं इन्होंने तीन बार हारी हुई सीट दी तीनों बार जीत दी गई जिस समय बहन जी की सरकार थी और अपने दो तीस एम थे उस समय वो मुझे चुनती हैं कि तुम अखिलेश यादव से लड़ सकते हो मैं लड़ा आप गए कि उन्होंने बुलाया क्या हुआ था उन्होंने बुलाया अच्छा। और वो चुनाव कभी मैं एक वोट ज़्यादा कब नहीं बताता हूँ चौंसठ हजार से मैं तब हारा जब कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी एक हो गए भाई इसको भी बताना तो गठबंधन तो होते हैं लेकिन सपा कल्याण मुलायम सिंह कल्याण सिंह एक हो जाएंगे ये कल्पनाओं में भी नहीं था बिल्कुल मंदिर और मस्जिद एक हो जाएँ उत्तरी धूप दक्षिण धूप देख हो जाए तब अखिलेश यादव मुझे चौंसठ हज़ार से हरा पाए ये मेरे जीवन का सबसे जी लक्षण था जो मैं जीत सकता था लेकिन आज भी बाबू के लिए कहना चाहूँगा कि वो अपने जात का के पोप थे उनका फतवा जारी होता था उन्होंने डेढ़ लाख अखिलेश को केवल अपने समाज का जब वोट डाला है उस लोकसभा में दो लोधी राजपूत विधायक हैं इसका मतलब वोट है तब जाकर के मैं चौंसठ हज़ार से आ रहा हूँ वरना चौंसठ हज़ार से ही अखिलेश हारते हैं सत्तर हजार से अब मैं हार गया कोई बात नहीं उपचुनाव में क्या हुआ उस तो बसपा की सरकार अब थी इस्तीफा दिया इस्तीफा दिया।, दिया अब ऐसा कभी इतिहास में हुआ है कि जनरल चुनाव लड़ो तीन महीने बाद फिर लड़ो उसी सीट पर तो इसका मतलब है जीतो नहीं तो बहुत सम्मान के साथ वोट लाओ तो ये बड़ा उदाहरण है तारीफी बात नहीं है कि मेरे को अखिलेश से लड़ा रही है जब मैं हार गया तो जात बदलो और व्यक्ति बदलो उसी आदमी को फिर तीन महीने बाद उसी फैमिली से लड़ाया जाता है और अगर वो चुनाव राज नहीं अगर मैं डिम्पल को प्राप्त मतों में अपना दे दूँ उस पार्टी में होता मैं कोई नहीं हीरो हीरोइन ही चलेगी वहाँ पर फिरोजाबाद में अब ये कहानी है अब सुनिए भारतीय मेरे को बीएसपी ने फिर राज्यसभा दी अभी अगला सवाल मेरा यही था कि आपको आपको बसपा ने तीन टिकट दिए दो बार लोकसभा लड़ाया राज्यसभा भी भेज दिया फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको भाजपा अच्छी लगती होगी हूँ कि राज्यसभा इतना स्पष्ट बयान कोई नहीं देता राज्यसभा इज द हाइएस्ट ऑब्लिगेशन इन द पॉलिटिक्स लगे ना फिटकरी और रंग चोखा जाए ओके लेकिन जब पूरा देश मोदी 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 कर रहा है मैं क्षेत्रीय दलों में रह केवल सड़क स्कूल बिजली पानी नाली खरंजा पानी रिपोर्ट चार्डशीट बंदूक का लाइसेंस करता रहा जिंदगी भर लेकिन फिर इस अच्छा ये दल बदल नहीं है यहाँ पर भी आओ राजसभा छः साल की माने गोद का बच्चा है आपके पास स्वस्थ बच्चा और लोकसभा वो भी फिरोजाबाद की पेट का बच्चा लात पड़ी या हो गया पड़ी ना मेरे बूथ कैप्चर हुए ना हो अब यहाँ पर जरा अपनी जनता को ये बताओ कि ये देश की राजनीति का पहला उदाहरण है कि तीन साल की राज्यसभा छोड़ कर के मैं उत्तर प्रदेश की सबसे खराब सीट पर लड़ा तो ये दल बदल है अपॉर्चुनिटी है या सहयोग है तो राज्यसभा से अगर मैं राज्यसभा से इस्तीफा दिए बिना लड़ता हार जाता तो तीन साल राज्यसभा और रहती निधि मिलती तनख्वाही मिलती बंगला मिलता सिद्धांत तो कुछ होना चाहिए ना इस्तीफा पहले दिया और हार गया वो चुनाव में

अरे भाई आप परसेंटेज देखो मैंने क्या कहा सूचना के अधिकार में एक बात पूछ लो कि आज़ादी के बाद बावन से लेके सर्वाधिक मतदान वोट नहीं परसेंटेज तो श्री अक्षय यादव निकलेंगे और वही अक्षय यादव अभी हार जाते हैं जब उनकी सरकार नहीं होती है तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम में इस तरीके से गड़बड़ी हो सकती इसका मतलब ये है इसका मतलब हुआ कि टेक्निकल गड़बड़ी थोड़े ना मतलब कोई बैठ जाए बोथ में कब्जा करके तो क्लिक करता रहेगा जो जनता कर रही है उसकी जगह खुद करो तो वो किसको नहीं पता है ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सौ से ऊपर बूथ नब्बे परसेंट हो गए निन्यानबे भी कर दिए सौ भी कर दिया क्या उस गांव में कोई मरा नहीं होगा मतदान सूची के बनने के बाद क्या उस गांव में कोई सीआरपी बी एस बी में नहीं होगा क्या उसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर बन के खुद ही बाहर नहीं गया होगा क्या उस गाँव का कोई अस्पताल में नहीं हो सकता है क्या कोई रेल में नहीं हो सकता है क्या कोई जेल में नहीं हो सकता तो कैसे संभव है सौ परसेंट सौ पर तो मैं शक नहीं कर रहा हूँ या तो पूरा गांव अनएम्प्लाइड हो कोई बहू मायके ना गई हो कोई रेल में ना हो कोई जेल में ना हो कोई बीमार ना हो कोई अस्पताल ना हो कोई पैरामिलिट्री फोर्स में ना हो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आज मैं तब सौ परसेंट मतदान हो सकता है अदरवाइज हो ही नहीं सकता हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय हैं लेकिन बूथ सौ नहीं हुआ अक्षय यादव सबसे पॉपुलर हैं जिनके पक्ष में सौ हुआ है तो ये तो साम देख रहा है तो लूट हुई थी फिर आप दो चुनाव लगातार जीते पहले 2017 का टुंडला से आप जीते मंत्री बने राज्य में फिर आप लोकसभा 2019 लड़े और यहाँ पर आप आ जाते हैं आगरा में जहाँ से फिलहाल आप सांसद हैं और चुनाव जीतते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं दो चुनाव लगातार जीत जो उन्नीस में आपको लोकसभा टिकट मिलता है आगरा से मैं जानना चाहता हूँ कि रामशंकर कटेरे दो बार से सांसद थे उनको वहाँ क्यों भेजा गया आपको यहाँ क्यों लाया गया ये तो हाईकमान से पूछो लेकिन टुंडला का भी विश्लेषण थोड़ा सा कर लो कि टुंडला में भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूस पंद्रह बार वहाँ थी जो भी रीजन हो रामनहर में भी हारी थी शिव सिंह से द फर्स्ट एम एल एफ बीजेपी आई एम द सेकेंड एम ऑफ बीजेपी तो कुछ तो बात होती होगी अगर कोई आदमी एक पार्टी का दूसरी बार दूसरा एमएलए हो दूसरा एमएलए हो जिस पर राम लहर भी आ चुकी है पार्टी ने तय की आप लड़ेंगे या आपने मांगे टिकट की सीट से दो जिताता हूँ मैं ये कहता हूं कि जहां कोई ना लड़े जो सबसे कठिन सीट हो वहां मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं या तो मैं जीतूंगा या खूंटे से बांध के रख दूंगा उसको सभी पार्टियों को कि वो निकल ना पाए आसपास तो मैं छप्पन हज़ार से टूंगा जीता मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी का मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी का कि मेरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया और बारहवें नंबर पर शपथ दिलाई सी और डिप्टी सी दोनों के बाद इसके बाद सपा बसपा लोकदल गठबंधन हुआ तो स्वाभाविक बार यह दलितों की राजधानी है मुस्लिम चूंक मुगल रहे हैं उसकी राजधानी है उसमें देहात में एक विधानसभा है एहतमादपुर एक जलेसर है जो यादव बाहुल्य जलेसर नंबर एक पर है वहाँ पर सभी जातियों में तो स्वाभाविक बात है कि ये तीन जातियां जब इकट्ठी होंगी या दो जाटों मुसलमान तो थोड़ा कठिन होगा चुनाव तो फिर मैं वहाँ से फिर आया और ये चुनाव लड़ा और जीता और इसमें कोई मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और एक बार विभाग परिवर्तन करके भी जनता की सेवा करने का स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छा अवसर मिला अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा ईश्वर का धन्यवाद जनता का धन्यवाद हाईकमान का धन्यवाद ये भी इतिहास में अंकित कर दो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है मैं उनके हाईकमान का प्रधानमंत्री का खास तौर से अमित शाह जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना शुक्रगुजार हूँ जीत जो भी हो मुझे दस साल में पाँच टिकट दी हैं चौदह लोकसभा सत्रह विधानसभा उन्नीस लोकसभा बाईस करेल विधानसभा चौबीस आगरा लोकसभा ये एक रिकॉर्ड हो गया करहल के आपने जिक्र कर दिया है तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँ क्या अनुभव रहा वहाँ पर अब वो सीट सीट जाहिर सी बात है मुश्किल थी आपको वहाँ लड़ना पड़ा और आपको हार का सामना भी करना पड़ा लगातार चुनाव की जीत के बाद तो ये बताओ ना कि फिर वहाँ जीता कब कोई है तो कहने का मतलब है एक स्ट्रेटजी भी होती है हाईकमान की या तो जीतो या परेशान करो तो करहल में तो हम अपेक्षाओं से ज़्यादा काम ये करके आए हैं कि जिस अखिलेश यादव ने कहा था मैं एक भी बार प्रचार के लिए नहीं आऊँगा तो मैंने कहा था कि अगर हफ्ते भर में नहीं बुला लिया क्योंकि मेरा नाम एस पी सिंह बघेल नहीं है पाँचवें दिन आए पाँचवें दिन आए अगर मैंने कह दिया होता कि मैं आगरा एक भी बार नहीं आऊँगा फिर मैं आता नहीं चाहे बड़नाम जो भी हो क्योंकि तो बड़े नेताओं को फिर थूक के चाटना पड़ता है ये बहुत बुरी बात है ये निकाल लेना नॉमिनेशन वाला दिन उनका निकालो करेल का फिर उनकी बाइट निकालो उसमें उन्होंने कहा चार चीज़ें ये मैं एक भी बार नहीं आऊँगा सर्टिफिकेट लेने आऊँगा मैंने कहा पाँच दिन में हफ्ते बार में नहीं बुला लिया तो मेरा नाम बदल देना पाँचवें दिन उनको करेल में रैली करनी पड़ी फिर उन्होंने कहा था मेरे घर का एक भी वोट नहीं मांगे क्यों बोलते हैं ये लोग ऐसी बातें तो मैंने कहा था घर का हर आदमी वोट से मंगवा लूँगा इवन तुम्हारे बच्चे भी मांगेंगे वो पिछली बार मांगे करेल में और एक सेकेंड के सौवें हिस्सा माइक्रो बात कर रहा हूँ समय की के लिए राम यादव धर्मेंद्र यादव अक्षय यादव तेज प्रताप यादव डिम्पल यादव बगल की सीट मैनपुरी भोगव भी नहीं गए बीस दिन ये खूंटे से बंधे अगर एक आदमी एक दिन में पाँच सभाएँ करता तो पाँच लोग कितने करते जी पच्चीस तो बीस दिन में कितने करते पाँच सौ हमारे राउंड तक तीसरे राउंड तक एक सौ पैंसठ सीटें थी इसका मतलब है एक सौ पैंसठ सीटों पर अगर ये लोग प्रचार के लिए निकलते तो तीन सभा करते आज उतार हेलीकॉप्टर पाँच दिन बाद फिर उतारा पाँच दिन तो मुझे लगता है सौ दो सौ पाँच सौ हजार दो हज़ार चार हजार, हजार पाँच हज़ार तक आने वाले सभी समाजवादी पार्टी के लोग जीत जाते हैं क्योंकि अगर सभाओं से नहीं जीतते हैं वोट नहीं बढ़ता तो क्यों लोग जाते हैं अब ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि एक मिनट के लिए भी उसी जिले की दूसरी विधानसभाओं पर ये घर के पाँच लोग नहीं गए इसको गाँव में कहते हैं कि गाँव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी तीसरी बात है यादव परस बघेल इलेक्शन हो गया पूरे यूपी में अब मैं कोई परसेंटेज पर नहीं जाता हूँ हमारी जात का जो भी वोट है तो उसने भाजपा को दिया क्योंकि यदि मैं एक कमज़ोर टाइप का प्रत्याशी होता तो हमारा समाज नाराज हो जाता कि भाई आप क्यों सेफई वालों से लड़ाते हो दुश्मन अगर अखिलेश यादव ने 403 सीटों में नंबर वन सीट चुनी तो मोदी जी ने अमित शाह जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नंबर वन कार्यकर्ता चुना नहीं। नहीं। तो ये बड़ी बात नहीं है योगी जी के मंत्रिमंडल में इतने मिनिस्टर्स थे जाना चाहिए था दिल्ली में दस लोग मिनिस्टर ना जाना चाहिए था तो मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा हाईकमान का कि मुझे इस लाइक चुना गया कि मैं इनको बांध सकता हूँ फिर एक दिन उन्होंने मेरे पे गोली चला दी कर में जो देश भर में उसके बाद तो मेरे समर्थकों में मेरे जात में पूरे राउंड में सातों राउंड में समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं मांगने दिया गया तो सोचिएगा कि कितना बड़ा लाभ हुआ बिल्कुल अब क्योंकि चुनाव आ गया एक और 2024 का लोकसभा चुनाव आप पाँच साल सांसद रहे आगरा से अब जनता मांगेगी रिपोर्ट कार्ड अगर आपसे कहा जाए कि आपने क्या बड़े इनिशिएटिव क्या बड़ी योजनाएं केंद्र की तरफ से यहाँ पर लागू करवाएँ तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को कैसे देंगे आप आगरा लोकसभा में पाँच विधानसभाएँ पाँच के मिजाज अलग अलग हैं इसमें दो देहात की हैं इसमें एक दूसरे जिले की है आगरा अगर आप कहते हैं इसको एटा भी शामिल करो जी जलेसर विधानसभा जो एटा जिले की है वो एकदम किसानों की विधानसभा है ऐतमानपुर आधी शहर में आधी किसानों की है आलू उत्पादकों की है शहर की तीनों विधानसभाओं का मिजाज अलग है एक जगह हम साठ हज़ार से जीतते हैं तो एक जगह एक लाख से जीतते हैं इसी शहर में जी तो हर गली का एक एजेंडा होता है आप चांद पे उतर आए बहुत अच्छी बात है खरंजा कब आएगा ज़मीन पर तो सड़क स्कूल बिजली पानी नाली खरंजा निजी काम में फाइनल रिपोर्ट चार्डशीट बंदूक का लाइसेंस विधवा पेंशन विकलांग पेंशन वृद्धावस्था पेंशन आयुष्मान का कार्ड बनवाना राशन कार्ड बनवाना इसके अलावा विधवा ये पेंशनें दिलवाना फिर लाभार्थियों के फॉर्म भरवाना ये हम सतत साल भर करते हैं कैंप भी लगा के करते हैं आठ आठ हजार लोग आते हैं तीन हजार खाली हाथ आते हैं तीन चार हजार लोग लाभ ले कर के जाते हैं सरकार आपके द्वार हम ही करते हैं इसके अलावा स्मार्ट सिटी में आगरा शामिल हुआ हमारा एक पोर्शन इंडिया लेवल का है दूसरी बात ये हुई है कि हमारी रिकॉर्ड समय में मेट्रो चल गई है नहीं तो मेट्रो का अनुभव लेने के लिए लोग दिल्ली जाते थे आजकल चल रहे हैं और पूरा शहर हम लोग कवर कर रहे हैं फेज़ वन फेज़ टू फेज़ थ्री में इसके अलावा आगरा में एयरपोर्ट नब्बे साल पुराना है जहाज एक था वो भी कभी कभी था आज आगरा लखनऊ आगरा भोपाल आगरा जयपुर आगरा मुंबई आगरा बेंगलुरु आगरा अहमदाबाद फ्लाइट चल रही हैं एयरफोर्स की वजह से दिक्कत हो रही है बड़ी उपलब्धि यह हुई है कि मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जितनी जमीन चाहिए थी सिविल एयरपोर्ट के लिए वो जमीन एक, एक, ले ली गई है किसानों को पेमेंट हो गया है बैनामे हो गए एक भी लिटिगेशन हाईकोर्ट में नहीं है और उसका टेंडर प्रोसीजर है जब यह हमारा बनेगा तो एयरफोर्स के चक्कर से हम लोग जैसे कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कितना और वक्त लगी। क्योंकि मैं कुछ लिस्ट से मिला यहाँ पर वो एयरपोर्ट की शिकायत कर रहे हाँ, थे प्रधानमंत्री कि हजार कि प्रधान चौदह में बोल रहे थे जी एनजीटी हाँ। exactly. की हाँ। सबसे अच्छी हाँ। बात है जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि पर्यावरण की क्लियरेंस इस मोबाइल में डली है श्री भूपेन्द्र यादव जी जो मुझे भेजी है तो यहाँ एन की प्रॉब्लम है यहाँ टी है इस शहर को माननीय सुप्रीम कोर्ट राहु केतु और शनि देख रहे थे एक माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं एक एनजीटी है टी टी है तो यहाँ तो बहुत ग्रहण लगा हुआ था आज मोदी जी की अच्छी पैरवी के कारण आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में हो गया है और अब यहाँ पर उद्योग होंगे यहाँ वो, वो होता है कि टी टी बहुत बड़ा मसला है सर ये कल मैं इंडस्ट्री से मिला कई सारे तो और वो, ताजमहल का जिक्र भी कर रहे थे मैं क्रम से कह रहा हूं कि हैं बैनामे हो गए लिटिगेशन नहीं है ऊपर से गएल क्लियरेंस हो गई है टेंडर प्रोसीजर में चले गए अब क्या बाकी है एयरपोर्ट तो तैयार हो गया जिसे मैं तमाम जो उद्योगपतियों से मिला तो इस बात की शिकायत करते हैं कि उद्योग हमारा ठप सा हो गया है और ताजमहल को उसके लिए जिम्मेदार तो वो वाले, वो वाले समस्त उद्योग जिसमें कोई बाधा नहीं होगी जिसमें टी टी जेट आड़े नहीं आएगा जिसमें एन जी टी नहीं करेगी तो बहुत काम हुआ जैसे टेढ़ी बगिया से लेके हम लोग फोर लेन बना रहे हैं एटा के जीटी रोड तक जिसमें फरोजाबाद से हमारी लोकसभा में हाथरस को हम जोड़ दिया है नौ सौ करोड़ का टेंडर हो गया कुछ पेड़ों की कटने की परमिशन केवल है यमुना एक नया शहर कमला नगर टाइप का यमुना पार बसेगा क्योंकि उसके लिए हमारे यमुना के दाहिने किनारे पर सॉरी इधर से मूर्ति हाँ दाहिने किनारे पर गगन चुंबी मारते हैं सौ मीटर दूर बाई तरफ झोंपड़ी हैं तो केवल बीच में क्या है पुल मुझे बताते हुए खुशी हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ रुपये से करके पुल स्वीकृत कर दिया तो एक नया आगरा का एक्सटेंशन होगा टूवर्स खंडौली ये बड़े काम में से हैं दो शिकायतें मैं और लोगों से मैंने सुनी उन्होंने कहा कि आप कानून मंत्री रहे राज्य मंत्री रहे केंद्र में और अभी आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते लोगों ने कहा कि एम्स और कानून राज्य मंत्री के लोगों लो ने कहा कि अगर वो जब थे तो हाईकोर्ट की जो यहाँ बेंच लाने की बात चल रही है चार दशकों से चल रही so है यहाँ मैं बहुत स्पष्ट बात करूंगा कल मायावती जी ने कह दिया मेरी सरकार आएगी तो मेरठ में तो पांच बार सरकार थी तो क्यों नहीं किया था नहीं। उनका जवाब ये है उन्होंने कहा था कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाएंगे तो क्या राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है ये तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होता है भैया मैं मैं जब एम था दूसरी बार तब उत्तराखंड झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाए अब उन्होंने कहा है कि मेरठ में बेंच लाएंगे तो इसका एक तरीका है मैं इसका आंसर दे दूँ और अगर आपने भी सवाल पूछा तो आपको इनको आंसर देना चाहिए हाईकोर्ट के लिए नियम है कि उस राज्य का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट एक फुल प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को दें और वो लोग केंद्र को लिखें तो एक मिनट लगता है बनने में ना केंद्र डायरेक्ट बना सकता ना राज्य सर बना सकता कोर्ट का प्रॉपर आंसर है प्रॉपर आंसर है इस समय पूरे देश में एक भी हाईकोर्ट की बेंच विचाराधीन नहीं है क्योंकि तो किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस राज्य में दूसरी बेंच के लिए प्रस्ताव ही नहीं भेजा है प्रॉपर आंसर आप, आप लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जाके इस, इस पर अनऑफिशियल कई बार कहा गया हमारे मेरठ से मेरठ से अथवा गाजियाबाद से पाकिस्तान का लाहौर हाईकोर्ट पास है वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से शिमला पास में है हमारे इधर इलाके से जयपुर हाई कोर्ट पास में है दिल्ली हाई कोर्ट पास में है लेकिन 700-800 किलोमीटर पर जो है इलाहाबाद का हाई कोर्ट है और अब हाई कोर्ट बड़े लोग नहीं जानते हैं सिपाही का ट्रांसफर करो ट्रांसफ़र पॉलिसी कैंसल नहीं हुआ हाई कोर्ट जाएगा दो भाई जमीन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं ये सड़क ना बने हाई कोर्ट जाते हैं ये घंटा घड़ियाल ना बजे हाई कोर्ट जाते हैं डीपीसी नहीं हो रही है हाई कोर्ट जा रहे हैं प्रमोशन नहीं हो रहा हाई कोर्ट जा रहे हैं आम लोग अपने न्याय के लिए हाई कोर्ट जाते हैं इसलिए दूरी कम कर देनी चाहिए दूरी कम कर देनी चाहिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते लोग उम्मीद एम्स पाले का बैठे हैं एम्स, एम्स का, का भी कानून है एम्स का भी इसी प्रकार से कानून है लेकिन हमने 700 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी एस एन मेडिकल कॉलेज के लिए सेवन करोड़ इंटीग्रेटेड पूरा अस्पताल बन रहा है चेंज आ गया है जो लोग ये आगरा प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए जाना जाता है लोगों का एस एन मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा विश्वास हो गया है कि वहाँ लाइन लगती है आजकल तो उसको पर्याप्त केवल एम्स नहीं लिखा है लेकिन एम्स की सारी सुविधाएँ जो है एस एन मेडिकल कॉलेज में आ, को मिल रही है सुपर स्पेशलिटी के लिए और जो जो भी होगा अब अगली बार विभाग कुछ भी हो सकता है लेकिन जब हम कानून मंत्री नहीं थे तो हाई कोर्ट की बेंच को लेकर के मैंने खुद ने आंदोलन किया लेकिन सिंपल प्रोसीजर है भाई इसको नहीं मानेंगे लोग कि उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के चीफ जस्टिस सीएम साहब को और गवर्नर साहब को लिख दें अगर लिख दें और वहाँ से एक लाइन आ जाए कि लिखा हुआ है मोदी जी सौ परसेंट जहाँ जहाँ के लिए वो लिखेंगे जहाँ जहाँ के लिए लिखेंगे वहाँ वहाँ बना दिया जाएगा ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है हाईकोर्ट की बेंच को लेकर के आखिरी सवाल मेरा आपसे है आगरा के होटल इंडस्ट्री वालों से मैं मिला वो बड़ा इस बात से शिकायत कर रहे थे कि लोग यहाँ आते हैं पर रुकते नहीं स्टे नहीं करते ताजमहल देखते हैं और एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली वापस लौट जाते हैं वहाँ से एयरपोर्ट पकड़ के अपना जहाँ जाना निकल जाते हैं तो इस वजह से उनका उद्योग जो है बढ़ नहीं पा रहा पर्यटन ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ताजमहल हो के भी आगरा में अगर पर्यटन की वो स्थितियाँ नहीं बन पा रही जो होनी चाहिए तो बड़ा आश्चर्यजनक है उन्होंने कहा एक नाइट लाइफ सी व्यवस्था होनी चाहिए कि आगला आगरा में दो तीन दिन लोग स्टे करें ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए सिर्फ ताजमहल तक सीमित क्यों रहे मामला इस पर कुछ प्रयास इस पर यह प्रयास हो रहा है एक तो सोचा था कि पर्यटक ज़्यादा आए आवागमन के ज़्यादा अच्छा सुविधा से नुकसान हो गया ताज एक्सप्रेस चली बड़े खुश हुए पर्यटक बड़ा शताब्दी रुकी मैंने सेम समस्त राजधानियां रुकवाई रुकवाइया इस कार्यकाल में नहीं जलेसर के एमपी के रूप में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ चेन्नई राजधानी हमारी देन है बेंगलोर राजधानी हमारी देन है हमारी देन का मतलब है रेलवे कहती है आपके पत्र संख्या इसका आप ग्रहण करें जिसमें आपने कहा था वो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये मान ली गई आज मुंबई राजधानी बेंगलोर राजधानी चेन्नई राजधानी वंदे भारत दो गतिमान एक प्लस एक्सप्रेस हाईवे ठीक है ना प्लस लखनऊ का एक्सप्रेस हाईवे प्लस टुंडला में शताब्दी रोक दी टुंडला में आठ गाड़ियाँ टुंडला इज द एक्सटेंशन रेलवे स्टेशन ऑफ द आगरा सिटी कमला नगर के लोग कैंट देर में आएंगे उधर ये सब हमने किया उससे यात्रियों को सुविधा मिली आगरा शहरवासियों को सुविधा मिली लेकिन यात्रियों को अब वो वापस जाने लगे थोड़ी अफवाह होती है दिल्ली लॉबी भी कुछ है तो हमारा ये प्रयास रहेगा जिसको ताजमहल मैं बोला भी पार्लियामेंट में तो कि यह ताजमहल को रात केवल दस बजे तक जैसे आप पूर्नमासी को करते हैं मान लो तीन तारीख को पूर्नमासी है तो मालूम ताजमहल कितने दिन खुलता है एक और दो तीन और चार और पाँच पूर्णमासी से दो दिन पहले पूर्णमासी के दो जब पाँच दिन सिक्योरिटी की व्यवस्था हो सकती है और देखिए रात में ताजमहल की कल्पनाएँ हैं बादल आ गया पचास का डेलीगेशन जाता है 200 मीटर दूर से देखता है जब तक उसका इनले वर्क उसके नज़दीक जाके नहीं देखो तो जब 10 बजे तक सी आई सिक्योरिटी कर सकती है सॉरी पाँच दिन पाँच दिन रात 11 बजे तक कर सकती है तो आम दिनों में दस बजे तक क्यों नहीं कर सकती है इसको पर्यटन मंत्री को हम लोगों ने दिया मीनाक्षी लेकर यहाँ पर आई थी मैंने इन्हीं आगरा के व्यापारियों के साथ तीन बार किशन रेड्डी साहब से मुलाकात कराई है प्रोसीजर में है यद माननीय सुप्रीम कोर्ट अब क्या है आर्टिफिशियल लाइट पड़नी चाहिए जब हम रात में सुई में धागा डाल लेते हैं रात में पोस्टमार्टम हो जाता है रात में बैडमिंटन का मैच हो सकता है टेबल टेनिस की छोटी बॉल का हो सकता है क्रिकेट का बॉल का कैच ले सकते हैं तो क्यों ना नुकसान रहित रोशनी डाल करके हम ताजमहल पर्यटकों को दिखाएं हल्का कभी पीला दिखे कभी नीला दिखे कभी गुलाबी दिखे और वहाँ पर कोई खतरा भी ना हो अब क्या लिखते हैं ये ऐसा ही के लोग कीड़ों के पेशाब में एसिड होने के कारण धब्बे पड़ सकते हैं अरे भैया वर्ल्ड लेवल का टेंडर करो विज्ञान का छात्र हूँ रोशनी के उद्गम स्थल पर कीड़े आते हैं बल्ब के पास पतंगा आता है शमा के पास पतंगा आता है तो ऐसी मूविंग लाइट पड़े जैसे हम पचास साल पहले सर्कस होता था तो हमारे गांव पे लाइट पड़ती थी तो क्या वो नुकसानदायक होती थी जी। क्या वो त्वचा के लिए तो ऐसे हम लोग प्रोसीजियर बातें बोली ये आपने एस आई या पर्यटन मंत्रालय को नहीं बताएंगे ये सब होना चाहिए निश्चित तौर से पर्यटन एक बड़ा उद्योग है विश्व का कोई भी दृष्टि पर्यटन की दृष्टि से आता है तो आगरा का ताजमहल मद्देनजर रखता है बाद में जयपुर जोधपुर उदयपुर मुंबई जाता है तो धार्मिक पर्यटक भी हो गया है <bugto> आगरा के एयरपोर्ट से और जेवर के एयरपोर्ट से आएंगे लोग ताजमहल कमा रहे हैं बिहारी जी लोग ज़्यादा जा रहे हैं ठीक है ना काशी विश्वनाथ एक लाख से ऊपर लोग देख रहे हैं <bugto Lynch> शिरढ़ी एक लाख से ऊपर लोग देख रहे हैं <bugto> तिरुपति तो बालाजी तो है एक लाख से ऊपर लोग आते हैं धार्मिक पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो आगरा के एयरपोर्ट से पचास साठ मिनट में लोग मथुरा पहुँच जाया करेंगे शनिवार इतवार को यहाँ एक भी रूम खाली नहीं रहता है और शनिवार इतवार को यूपी एट्टी गाड़ियाँ कम हो जाती हैं यूपी चौदह यूपी पंद्रह यूपी सोलह डी एल एच आर और आरजे तो ऐसी बात नहीं हमारे यहाँ पर्यटक बहुत आ रहा है पर्यटक रात में रुक सके इसके लिए मैंने तो अधिकारियों से कहा भाई इसको गोवा का समुद्र तो नहीं डाल सकते हैं लेकिन नाइट लाइफ रूफ टॉप रूफ डैम की बात भी हो रही है पीछे ताकि पानी आ सके टॉप रूफ रूफ टॉप कुछ रेस्टोरेंट को आप लोग मान्यता दें थोड़ा विशेष लेकिन ए ए बहुत अच्छा कर रहा है आप हमने कई सेल्फी पॉइंट बनाए हैं हुनर हाट लगता आते हैं और एक ए ए ने बनाया है आ, वहाँ पर देश का हर प्रकार का चौपाटी तो वहाँ पर आगरा की तो चाट फेमस है।, है तो ऐसी बात नहीं पर्यटक आ रहा है लेकिन रात रुक सके तो डेस्टिनेशन मैरिज हमारे यहाँ हो रही हैं अभी आ, मुझे अमृतसर के एमपी साहब ने कहा कि भाई हमारे परिवार की एक शादी आप है तो मैंने कहा अच्छा आप तो अमृतसर के एमपी हैं तो लड़की आगरा की है बोले नहीं नहीं लड़की भी आगरा की नहीं है लड़का भी आगरा की नहीं है एक पक्ष कानपुर का एक अमृतसर का तो क्यों डेस्टिनेशन मैरिज हमारे यहाँ जयपुर के एम साहब ने कहा कि भाई एक शादी में आना तो मैंने कहा जयपुर तो प्रसिद्ध है बोले जयपुर वालों ने जयपुर देख लिया उनको नया चीज़ देखनी तो आगरा डेस्टिनेशन मैरिज के लिए बहुत सूटेबल स्थान है शादी रात को होती है लोग सुबह आ जाते हैं तो बिहारी जाते हैं ताजमहल जाते हैं फिर चंबल सफारी भी अच्छा हो रहा हम पूरी कोशिश करेंगे कि रात में रुक सके उसके लिए केवल एक तरीका है कि नाइट लाइफ बढ़े एक शिकायत और की एक इंडस्ट्रीज मुझे मिले उन्होंने कहा कि ताजमहल को जो तेजो महाले का विवाद खड़ा किया जाता है इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे हमारा पर्यटक प्रभावित होता है उसको लगता है विवादित है विवाद है तो नहीं जाए आप इसको कैसे लेते हैं देश में विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता करने का अधिकार है लोगों को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन हाई कोर्ट देन सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का है कुछ लोगों ने जो याचिकाएं की हैं मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो डांट लगाई थी इस मामले में आ, ये अदालतों का काम है कि उन याचिकाओं पर क्या डिसीजन लें लेकिन आ, मैं ये कहना कर, जब आप बराज की बात कर रहे थे मेरे से पहले दस बार इसके शिलान्यास हो चुके हैं हर मुख्यमंत्री ने एक बार किया है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने वादा किया अच्छा क्या हुआ पॉलिटिशियन तय करते थे इसकी वजह से लटकती थी मैं जल विशेषज्ञ नहीं हूँ और मेरी यमुना के किनारे एक इंच ज़मीन नहीं है ना अप इस्टीम में ना डाउन स्टीम में मैं ही सात बार का छः बार का एमपी पी हूँ जिस पर पे पेट्रोल पंप हो गैस एजेंसी और कोई कॉलेज भी नहीं है ये थोड़ा बताना पड़ता है जी। पेट्रोल पंप गैस एजेंसी गुनाह नहीं होते हैं नहीं मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई पर विश्वास था दोनों डॉक्टर हो गए इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ अप स्ट्रीम मैं नेताओं का नाम नहीं लूँगा वो स्वर्गवासी हो गए एक का गाँव अप स्ट्रीम में था एक का डाउन स्ट्रीम में था तो जमीन भाव बढ़ जाएगी मैं ये कहता हूँ जल विशेषज्ञ तय करें अप में होगी या डाउन में होगी लेकिन आगरा के पंद्रह में से चौदह ब्लॉक डार्क हो चुके हैं भूजल स्तर बहुत नीचे से गिर रहा है और जो बैराज बनेगा तो वाटर स्पोर्ट्स होंगे पानी बहुत रोमांचक होता है और दुनिया का पर्यटन टेम्स पे मिसीसीपी पे नाइल पे बोलगा पर इवन भारत में गोमती पर और अहमदाबाद में जो प्रधानमंत्री जी ने रिवर फ्रंट बनाया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी वहाँ दिखाने ले जाते हैं तो ये हम बना के रहेंगे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक डी के लिए किसी को कह दिया गया है ये तो बैराज अच्छा मैं दूसरी बात सिंचाई विभाग क्यों नहीं लगती एक्सपर्ट लोग कि उनके पास मीटर होते हैं कि हर साल जो है भूजल स्तर इतना जा रहा है तो एक दिन ये हो जाएगा कि ये सूखा पूरा शहर हो जाएगा ताजमहल की बुनियाद को मॉइस्चर की ज़रूरत है जी बुनियादी दूसरा स्वाभाविक बात है कि नौकायन होगा स्टीमर चलेंगे रात में लोग किनारे पे करेंगे लेकिन आप अभी देख के आओ एक अच्छा पार्क हम लोग उधर बना रहे हैं और मेहताब बाग के लिए 100-200 करोड़ रुपए मुझे लगता है इससे ही ऊपर भी मैंने ही शिलान्यास किया था पीछे ताज के पार्ट्स में ताज बड़ा अजीब है ये सुबह अलग दिखता है दोपहर में अलग दिखता है शाम को अलग दिखता है सावन में काले बादल जब बैकग्राउंड में होते हैं बारिश से धुल जाता है तो अलग दिखता है तो ताजमहल का, का जितना उपयोग करना चाहिए उतना हम लोग करेंगे बिल्कुल तो ये थे एसपी सिंह बघेल साहब तमाम सवालों के जवाब दिए आगरा को लेकर क्या योजनाएं हैं क्या काम किए उनका जवाब दिया आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं बाकी देखते रहिए टी वी नाइन शुक्रिया